फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं, और यह है हिंदी मीडियम में दोस्तों, और यह वर्कशीट 28 अगस्त 2020 के लिए है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके समझते हैं। समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ क्या है, तो इसमें समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सदैव जो समरूप आकृतियों में जो नाम लिखा है, यहाँ जो आपको जो एक सर्कल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो ये कैसे समरूप है इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कथन कसौटी। फर्स्ट है कोण 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 एंगल ए ए ए, और ये इक्वेशन जो है ना, आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो थ्योरम 6.3 से है। तो कथन है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समानुपाती होती है, और इसीलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में, तो ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ए ई सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, जबकि एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल सी ई एंगल सी एंगल एफ, तो एंगल ए बी सी समरूप है किसका, एंगल ट्रायंगल जो है ना डी ई एफ का। तो आइए इसे जो है ना बेहतर तरीके से हम इसे प्रूफ करते हैं, और ये जो ट्रायंगल सब दे रखा है इसे आप बेहतर तरीके से समझिए और पढ़िए, और एक एक करके इस सब को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और आप थ्योरम जो है ना, आप अपने एनसीईआरटी बुक का जो है ना, आपको कौन सा थ्योरम करना है 6.3 बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और थ्योरम जो है ना एनसीईआरटी बुक्स 6 चैप्टर 6.5 थ्योरम, उसको आपको करना है। तो आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है इसको हम बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो दी हुई आकृति है, तो आइए समरूप त्रिभुज की कसौटियां क्या क्या है, तो सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। तो जो आकृति अभी अभी सर्कल दे रखा था जिसको वृत्त कहते हैं, क्योंकि एक जैसा आकार का होता है, और यह समबाहु त्रिभुज इसीलिए समरूप होती है क्योंकि उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात बराबर होती है, ठीक है। और तीसरा वर्ग, वर्ग क्यों समरूप होता है दोस्तों, वर्ग समरूप त्रिभुज की कसौटी के अंदर क्यों आता है, क्योंकि वर्ग उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात बराबर होती है। तो आपने ये तीन क्वेश्चन दे ये तीन कंसेप्ट सीख लिया। अब हम ऐसे ये देखिए, अब सीरियल एक न, इसमें दे रखा है, यहां आप इसको देख सकते हैं, यहां पे ये जो आपका देखिए कर्म संख्या, समरूप त्रिभुज संगत कोण और संगत भुजाओं के अनुपात, इसी को मैं यहाँ बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आइए देखिए इसे, आप गौर से सुनिए। सीरियल समरूप त्रिभुज संगत कोण संगत भुजाओं के अनुपात, ट्रायंगल एबीसी जो है ना समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के, कब होगा, जैसे हमने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, देखिए दोस्तों ट्रायंगल ए ए जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल डी के इक्वल होगा, ट्रायंगल बी के इक्वल होगा, ट्रायंगल एफ के इक्वल होगा, और ट्रायंगल सी की सॉरी ट्रायंगल बी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लेंगे, सॉरी इस मिस्टेक के लिए थोड़ा सा है, बट ऐसी कोई खास नहीं है। तो ट्रायंगल बी के किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और ट्रायंगल सी एफ के इक्वल होगा। तो संगत भुजाओं के अनुपात जो होगा क्या, ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ, क्योंकि ए बी ए और बी को लिखेंगे तो यही डी ई लिखेंगे। आप इसे गौर से देखिए और इसे फिर समझने का प्रयास कीजिए। सेकेंड कसौटी है जो समरूप त्रिभुज का दोस्तों, ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप होता है ट्रायंगल ए बी सी का। तो ट्रायंगल ए सॉरी पी क्यू आर हमने एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया, तो ट्रायंगल पी इक्वल टू ट्रायंगल ए होगा, ट्रायंगल क्यू इक्वल टू ट्रायंगल बी होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ट्रायंगल आर इक्वल टू ट्रायंगल सी होगा। तो इसीलिए पी क्यू, पी और क्यू यहाँ देखिए गौर से देखिए दोस्तों, पी क्यू अपॉन में जो है ना ए बी, और क्यू आर अपॉन में बी सी, और पी आर अपॉन में ए सी होगा। और थर्ड है दोस्तों ट्रायंगल डी ई एफ समरूप किसका, ट्रायंगल पी आर क्यू का।
तो इसे भी हमने ट्रेंगल में बनाया, तो ट्रेंगल डी इक्वल टू किसका हो जाएगा, ट्रेंगल पी का हो गया, ट्रेंगल ई किसका हो गया, ट्रेंगल आर का हो गया, ट्रेंगल एफ किसका हो गया, ट्रेंगल क्यू का हो गया। तो डी ई जो है ना सम अपॉन में पी आर हो जाएगा इक्वल टू ई एफ अपॉन में आर क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रेंगल को देखिए और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनिए, फिर डी एफ इक्वल टू पी क्यू होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, उसे समझते हैं और जो आपको वर्कशीट में ये करना है, और वो कंसेप्ट था दोस्तों, यदि ट्रेंगल ए ओ बी समरूप है ट्रेंगल डी ओ सी के, और यदि ओ ए बी समरूप है 40 डिग्री दिया हुआ है, और ट्रेंगल ए ओ बी 50 डिग्री दिया हुआ है, एवं ट्रेंगल ओ बी ए 90 डिग्री दिए हुआ है, तो ज्ञात कीजिए ट्रेंगल ओ डी सी और ट्रेंगल डी ओ सी और ओ सी डी। तो देखिए यहाँ आप इसे गौर से देखिए, ये जो ए ओ बी, ए ओ बी और ट्रेंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ट्रेंगल ए ओ बी समरूप है कितना, ट्रेंगल डी ओ सी के, तो ट्रेंगल डी ओ ए बी इक्वल टू ओ डी सी 40 डिग्री है दोस्तों। यहाँ देखिए 40 डिग्री दे रखा है, तो सेम इसका समरूप होगा ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, और ओ बी ए इक्वल टू ओ सी डी 90 डिग्री। क्यों होगा ये इक्वल इसके इक्वल, बिकॉज समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, समरूपता की उचित कसौटी से दर्शाए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। तो आपको जो ये वर्कशीट में दिया गया, तीन कसौटी है दोस्तों, ए ए ए एस एस एस, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो ये जो आपका त्रिभुज है ठीक है दोस्तों, डी ई एफ हमने बनाया, इसमें एंगल इसका 60 है, और हम पी क्यू आर बनाए जिसमें एंगल 60 है। तो डी ई कितना 2 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर 9 सेंटीमीटर है। तो आइए इसे, तो डी ई अपॉन में पी क्यू अपॉन में ई एफ अपॉन में क्यू आर समरूपता से हो रहा है, तो 2 अपॉन में 6 और 2 अपॉन में 9 हो जाएगा दोस्तों। टू अपॉन में कितना होगा, 9 होगा, तो ये कट के 1 अपॉन में 3 हो गया। तो दो भुजाओं के बीच का कोण जो है ना, ट्रेंगल डी ई एफ इक्वल टू 6 डिग्री है, और ट्रेंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री है, दोनों 60 है, डी ई एफ इक्वल टू 60 है और ट्रेंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 है। तो ट्रेंगल डी ई एफ इक्वल टू ट्रेंगल पी क्यू आर है, तो डी ई अपॉन में पी क्यू अपॉन में डी एफ अपॉन में क्यू आर होगा। तो ये दोस्तों, यह एस 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 ए साइड एंगल साइड, अर्थात कोण जो है ना दोस्तों, साइड एंगल साइड, अर्थात जो है ना साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड कसौटी से ये ट्रेंगल डी एफ समरूप है पी क्यू आर के से, पी क्यू आर के। तो ये था आपका क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24 मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम में। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।